दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 वर्ल्ड ऐप के बारे में जिनमें आप अपनी फोटो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग सभी कुछ जो चाहे आप इसमें छुपा कर रखेंगे अपने मोबाइल फोन में, जो कि दोस्तों बिल्कुल सिक्योर तरीके से आपके मोबाइल फोन में सब कुछ सेफ रहेगा। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप इन ऐप का अपने मोबाइल फोन में यूज करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए। दोस्तों कौन कौन से एप्लीकेशन होने वाले हैं जिनके बारे में अब आपको बताऊंगा जिनमें आप अपनी फोटो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग को छुपाएंगे अपने मोबाइल फोन में। चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर बिना वक्त गवाए। नंबर 1 पे आता है हमारा क्लॉक वॉल टैप। इसे हम निकालेंगे अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से। तो हम इसे यहाँ से अपने मोबाइल फोन में पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल तो मैंने दोस्तों करके रखा है और मैं इस ऐप को पहले यहाँ से ओपन करके आपको दिखाऊंगा कैसे इस ऐप को आपको यूज़ करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं क्लॉक वॉल्ट ऐप हमारे सामने आ चुका है और दोस्तों इसकी अगर बात कर जाए तो 10 मिलियन प्लस इसके यहाँ से डाउनलोड है। 4.4 इसकी रीडिंग है और काफ़ी अच्छी रीडिंग होती है दोस्तों इस ऐप की। और इस ऐप को हम यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने में दोस्तों इसका इंटरफेस हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके का। अब इसकी परमिशन हम कर देते हैं यहाँ से एलो। एलो करने के बाद अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें पहले हमें एक लॉक को सिलेक्ट करना होगा, टाइम लॉक को सिलेक्ट करना होगा। यानी तो दोस्तों ये सुनिए हमें लेनी है और यहाँ से लाकर हमें कहीं भी ला रख देनी है। और फिर दोस्तों आती है हमारी हॉर वाली घंटे वाली सुनी, तो इसे हम यहाँ रख देंगे। आपको मर्जी दोस्तों, आप जैसा करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर मिल जाएंगे। 1:10 पर दोस्तों मैंने ये सुनी यहाँ से सेट कर दी है। अब मैं इसे यहाँ से इस बीच में क्लिक करता हूँ और फिर दोस्तों कन्फर्म करना होगा हमें यहाँ पर। तो मैं एक फिर दोबारा कन्फर्म करता हूँ। फिर दोस्तों मैं यहां से 1:10 पे कर देता हूं और यहां पे कंफर्म कर देता हूं। कंफर्म करने के बाद दोस्तों हमारा यहां पर लॉक सेट हो चुका है इस क्लॉक वॉल्ट ऐप में। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर ये आपकी ईमेल आईडी मांग रहा है। दोस्तों आपको यहां अपनी ईमेल आईडी डाल दें। तो अगर बाय चांस अगर आप इस क्लॉक वॉल्ट ऐप का पासवर्ड भूल जाएंगे तो दोस्तों आप इस ईमेल आईडी की वजह से इसका पासवर्ड भी फॉरवर्ड कर सकेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। दोस्तों मैंने यहां पर अपनी ईमेल आईडी डाल दी है और मैं आगे यहां पर @gmail.com लगा देता हूं। यहां पर लगाने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ गो, राइट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ फिनिश पे ओके कर देता हूँ। फिनिश पे ओके करने के बाद अब दोस्तों हमारे मोबाइल फोन में ये ईमेल आईडी लग चुकी है। अगर दोस्तों बाई चांस हम कभी इसका पासवर्ड भूल जाएंगे, इस ईमेल आईडी की मदद से दोस्तों हम इसका पासवर्ड को रिसेट कर पाएंगे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस ऐप का हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इसमें फोटो वीडियो हाइड करेंगे। दोस्तों इसमें करना क्या है, नीचे आपको मिलेगा प्लस वाला आइकन, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप नया फोल्डर बना सकते हैं, कैमरा खोल सकते हैं, डायरेक्ट कैमरे से फोटो लेकर डाटा आप यहां सेव कर सकते हैं, अदर फाइल, इंपोर्ट ऑडियो, इंपोर्ट वीडियो, इंपोर्ट फोटोज। तो हम फोटोज पर करके दिखाते हैं दोस्तों आपको। एग्जाम में दोनों फोटो करके दिखाता हूं यहां से। यहां ले लेता हूं ये वाला फोटो, यहां से दोस्तों मैं ये वाले फोटो यहां से ले लेता हूं। लेने के बाद अब दोस्तों मैं यहां पर करता क्या हूं, यहां लिखा हुआ है लॉक और यहां लिखा हुआ राइट, तो हम राइट पर क्लिक करेंगे। पहले चारों फोटो ले लिए हमने और यहां लॉक पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं नए फोल्डर बनाना तो हम नए फोल्डर बना सकते हैं, पिक्चर्स में कर देंगे अपने फोटो सेव। ओके दोस्तों ये हो चुके हैं फाइल सक्सेसफुल मूव टू वॉलेट में, यानी हमारे क्लॉक वॉल्ट में दोस्तों ये वाले फोटो आ चुके हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं अपनी वीडियो की, वीडियो कैसे करेंगे। वीडियो में दोस्तों आपको बिल्कुल सेम ऐसे करना है, पॉड वीडियो पर क्लिक करना है और आपको अपनी वीडियो सेट करनी है और इसमें लाकर दोस्तों आपको मूव कर देनी है बस दोस्तों। और दोस्तों अगर आप ये सेटिंग देखेंगे सेटिंग में जा सकते हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अलार्म के मिल जाएंगे, अलार्म लगा सकते हैं इस वॉल्ट ऐप से आप। अगर आप यहाँ पर सेटिंग में देखेंगे सेटिंग में जाएंगे दोस्तों आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं पासवर्ड को चेंज करना तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, तो हमें पासवर्ड चेंज नहीं करना। और दोस्तों यहाँ पर एक हवा है अनलॉक विथ फिंगर, फिंगर से दोस्तों आप इसे अनलॉक कर सकते हैं इसे ऑन करके। और दोस्तों आपको यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फेक पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और भी दोस्तों पासवर्ड रिकवरी ईमेल और दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर फेस डाउन लॉक और भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों ये क्लॉक वॉल्ट ऐप काफ़ी अच्छा ऐप है, इसे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ऐप है दोस्तों। तो हम इसे बात करते हैं हम नंबर टू पर दोस्तों आता है हमारे सामने प्राइवेट जोन। तो हम प्राइवेट जोन को अपने मोबाइल फोन में सर्च करेंगे और इसे अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। दोस्तों मैंने इसे पहले अपने मोबाइल फोन में कर रखा है इंस्टॉल, तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने से पहले दोस्तों एक मिनट पहले हम इसे कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 1 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड है और 4.4 इसकी रीडिंग है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी रीडिंग होती है इस ऐप की। तो हम इसे यहाँ से अपने मोबाइल फोन में अप करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने आता है कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आपको परमिशन सारी इसकी एलो करनी होगी, तो हम परमिशन यहाँ से इसकी एलो कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने आ रहा है इसका कुछ इस तरीके का इंटरफेस। अगर दोस्तों आप इसे फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल फोन में ओपन करेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, आपको सिंपली दोस्तों सारी परमिशन इसकी यहाँ से एलो कर दें। तो परमिशन में एलो कर रखी है। अब हमारे सामने दोस्तों इसका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे साइड में दोस्तों यहाँ लिखा हुआ स्किप, आपको स्किप पे क्लिक करना होगा और यहाँ भी दोस्तों आपको स्किप पर क्लिक कर देना है। और अब दोस्तों आपको यहाँ करना है अपना एक पासवर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो पासवर्ड हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं अपने लिए, तो मैं यहाँ से अपना एक पैटर्न सिलेक्ट करता हूँ। तो पैटर्न पर हम ये करते हैं, तो ये हो गया हमारा दोस्तों पैटर्न सिलेक्ट। और हम यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन डाल देना है।
तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर माई लकी नंबर, तो मैं यहाँ लकी नंबर डालता हूँ। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लकी नंबर हटा सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये नंबर दोस्तों आपके काम आएगा। तो अब हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों अब हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस। अब दोस्तों ये मांग रहा है गिव एक्सेस टू ऐप लॉक, तो हम यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों हमें इसकी परमिशन यहाँ से करनी होगी ये लो, तो हम यहाँ गोइट पे क्लिक करके और यहाँ पर आना है प्राइवेट जोन, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसकी परमिशन हो जाएगी ये लो, और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद परमिशन एलो करनी होगी, यहाँ पर भी हमें इसकी परमिशन एलो करने के बाद दोस्तों अब हमें करना क्या है। अब दोस्तों अगर हमें फोटो छुपाने हैं, अपनी वीडियो छुपाने हैं, तो क्या करना होगा, हमें यहाँ लिखवा दोस्तों प्राइवेट एल्बम और वीडियोस। दोस्तों अब हमें करना क्या है, अपनी अगर वीडियो छुपानी है तो वीडियो पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। क्लिक करने के बाद नीचे प्लस वाला आइकन मिलेगा आपको, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपके मोबाइल पर वीडियो है आपकी गैलरी में ले जाएगा। आपको जो वीडियो छुपानी है आपको उस पर टिक लगा देना, इस तरीके से। टिक लगाने के बाद एड पे क्लिक कर देना। एड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी ये वीडियो आपके मोबाइल फ़ोन से हाइड हो जाएगी और ये दोस्तों आपके इस प्राइवेट जोन वर्ल्ड ऐप में आ जाएगी। तो अब हम क्या करना होगा, तो अब हम दोस्तों इसे कर देते हैं इग्नोर पे। ओके दोस्तों अब हमारे प्राइवेट जोन में आ चुकी है और यहाँ पर आके दोस्तों सेफ हो चुकी है। ये रही दोस्तों प्राइवेट जोन, तो ये रही दोस्तों हमारी तीन वीडियो। अब करते हैं फोटो की। फोटो भी दोस्तों आपको सिंपली ऐसे करने हैं, यहाँ क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको अपना फोटो सेव कर लेना है और फिर दोस्तों एड पे क्लिक करना है। तो ये हो गया दोस्तों आपका फोटो सेव। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको और क्या क्या फीचर मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ ऊपर 3 बार पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपने इस प्राइवेट जोन में कोई वीडियो काटेंगे दोस्तों वो आपकी इस फोल्डर में आकर सेव हो जाएगी। फोटो वीडियो जो भी आप काटेंगे यहाँ पर आकर सेव हो जाएगी। और भी दोस्तों आपको इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे डाटा बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग मिल जाएगी दोस्तों। सेटिंग में भी आपको और भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों इनविजिबल पैटर्न और फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग, सिक्योरिटी क्वेश्चन, चेंज ऐप लॉक पैटर्न। अगर आप चाहते हैं इसका पैटर्न लॉक जो आपने डाला है शुरू में वो चेंज करना, तो आप यहाँ ऊपर से चेंज कर सकते हैं चेंज ऐप लॉक पैटर्न। इस पर करके आप इसका पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं या इस पर पासवर्ड डाल सकते हैं। तो बस इस ऐप में इतने दोस्तों। अगर आप नीचे देखेंगे लॉक स्क्रीन लिखा ऑप्शन और भी काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है, हाइड कॉन्टैक्ट है, ऐप लॉक है। अगर आप किसी ऐप पर भी लॉक लगाना चाहते हैं दोस्तों आप यहाँ ऐप लॉक पर क्लिक करके किसी भी ऐप के अंदर लॉक डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इस ऐप में दोस्तों इतना ही। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे दोस्तों हमारे सामने आता है ऑडियो मैनेजर। ये दोस्तों ऑडियो मैनेजर ऐप दोस्तों एक ऐसा ऐप है जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा ऐप है। इसमें आपकी फोटो वीडियो बिल्कुल सिक्योर तरीके से सेफ रहेगी और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। दोस्तों इसकी अगर बात कर जाए तो 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड है और 4.4 इस ऐप की भी रीडिंग है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी रीडिंग आती है एक हाइट बोल्ड ऐप की। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों ऊपर लिखा हुआ दोस्तों ऑडियो मैनेजर, बस आपको करना क्या है, इस पर आपको दबा के रखना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आपके सामने आ जाएगा जिस तरीके का इंटरफेस। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है और, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पहले आपको यहाँ से एक अपना पासवर्ड सेट कर लेना है, तो हम यहाँ से पासवर्ड सेट कर लेते हैं। आप अपना नाम डाल सकते हैं या फिर दोस्तों कुछ भी आप यहाँ से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना नाम डालता हूँ। नाम डालने के बाद सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड सेट, यानी ये पासवर्ड हमारा सेट हो चुका है आरिफ नाम से। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है सेटअप रिकवरी ईमेल। आपको यहाँ अपनी रिकवरी ईमेल डालनी होगी। अगर दोस्तों बाय चांस आप इस ऑडियो मैनेजर वर्ल्ड ऐप का पासवर्ड भूल जाते हैं दोस्तों, आप इस रिकवरी ईमेल के जरिए दोस्तों इसका पासवर्ड को रिसेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप ये बात ध्यान रखें, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी जरूर डालनी होगी अपनी। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बाकी वो आपकी मर्जी की बात है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं, तो दोस्तों हम @ लगाते हैं और gmail.com कर देते हैं और यहाँ .com हो गया और यहाँ ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों रिकवरी ईमेल हमारी सेट हो चुकी है। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे दोस्तों। यहाँ परमिशन इसकी कर देंगे इसकी एलो इस तरीके से। एलो करने के बाद दोस्तों अब हमारे सामने आएगा दोबारा से कुछ इस तरीके का इंटरफेस। अब दोस्तों हमें अगर इसमें कोई फोटो वीडियो छुपाने तो वो कैसे छुपाएंगे, आप क्या करना होगा, हमें ऑडियो मैनेजर पर क्लिक करना होगा इस तरीके से। और यहाँ पर पहले हमें अपना पासवर्ड डालना होगा, तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और यहाँ दोस्तों ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसे फोटो वीडियो आप कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपका पिक्चर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, म्यूजिक का मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप फोटो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग सभी कुछ अपना हाइड कर सकते हैं, मैसेज हाइड कर सकते हैं, चैट हाइड कर सकते हैं, नोट हाइड कर सकते हैं और भी दोस्तों आपको इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम पहले पिक्चर्स हाइड करते हैं, फोटो हाइड करते हैं, अपने फोटो पे क्लिक करेंगे, ऊपर ये मिल जाएगा प्लस वाला आइकन, हमें इस पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कोई नया फोल्डर में सेव करना तो नया फोल्डर बना सकते हैं, बाकी दोस्तों वो मर्जी की बात आपकी। तो हम यहाँ पर नया फोल्डर बना लेते हैं, करेक्ट नया फोल्डर हो गया हमारा और यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब मिलेगा हमें प्लस वाला आइकन, इस पर क्लिक करेंगे ऊपर और यहाँ गैलरी मिल जाएगा। या चाहे दोस्तों आप हैंड टू हैंड ही फोटो खींच सकते हैं और इसमें लाकर सेव कर सकते हैं, बाकी तो हम गैलरी में जाते हैं। गैलरी में आने के बाद दोस्तों हम यहाँ से कोई भी फोटो अपना सेव कर सकते हैं, चाहे अपनी वीडियो कर सकते हैं।
इस टाइम दोस्तों मेरे मोबाइल पर मैं कोई गैलरी में फोटो नहीं है, तो मैं यहाँ से अपनी वीडियो सेट करता हूँ, ये रही वीडियो, ये सेट कर लेता हूँ और यहाँ हाइड सेट फाइल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ दोस्तों ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद ये वीडियो हमारी इस ऑडियो मेजर वर्ल्ड ऐप में आकर सेव हो चुकी है और वहाँ से दोस्तों हाइड हो चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों मैं यहाँ आता हूँ वीडियो को, अपनी वीडियो आने के बाद दोस्तों अगर आप देखें न्यू एल्बम, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो मैंने अपने फोटो वाले उस पर हाइड कर दी, न्यू फोल्डर बना, ये रही दोस्तों हमारी वीडियो जो मैंने वहाँ से हाइड करी और यहाँ पर आकर सेव हो चुकी है। दोस्तों बाई चांस अगर आपसे गलती से इस ऑडियो मेजर वर्ल्ड ऐप से अगर आपकी वीडियो डिलीट होती है, आपके फोटो डिलीट होते हैं दोस्तों, उसमें आप उसे रिकवर कर पाएंगे, उसके ऊपर दोस्तों मैंने एक पूरी वीडियो बना के रखी है, अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो ऊपर आई बटन मिल जाएगी, वो वीडियो दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ी बेसिक सेटिंग्स की बताता हूँ, बाकी दोस्तों जब आप इसे यूज़ करेंगे अपने मोबाइल फोन में तो आप दोस्तों अपने तरीके से इसे यूज़ करना, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको थोड़ी बहुत बेसिक सेटिंग, आपको ऊपर सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, आप सेटिंग में क्लिक करेंगे, सेटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों बाकी तो इस ऑडियो मेजर वर्ल्ड ऐप को आप अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। मैंने दोस्तों आपको बस बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको इस वीडियो में दे दी है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए दोस्तों, अगर आप मैं इसमें पूरी पूरी आपको बात बताऊंगा दोस्तों वीडियो ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी, मैं फिर भी आपको एक एक बार इन तीनों ऐप को ओपन करके दिखाता हूं। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो क्लॉक बोर्ड ऐप ये रहा हमारे मोबाइल फोन में, इसमें दोस्तों मैंने वहाँ पर जो पासवर्ड लगाया दोस्तों मैं उस पर क्लिक करता हूँ और वही पासवर्ड दोस्तों इस पर डालना है, तो डालेंगे ऐसा दोस्तों, उसके लिए करना क्या है, हमें इस पर टिक करना है, बीच में टिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से हमें अपना जो पासवर्ड डाला हमने, मैंने डाला दोस्तों 1:10 पर डाला था मैंने, तो 1:10 है और यहाँ क्लिक करता हूँ, ये खुल गया हमारा पासवर्ड और हमारे फोटो वहाँ पर सेव है, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करें दूसरे वाले ऐप की, अगर दोस्तों आपने ऑडियो मेजर ऐप यूज़ करेंगे अपने मोबाइल फोन में, उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको मिलेगा ऊपर ऑडियो मेजर का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है इस तरीके से, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे मांगेगा आपका पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड डाल देना अपना मोबाइल फोन का, जो आपने इस मेजर में पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आपको डाल देना है और यहाँ से ऑटोमेटिक ही एंटर हो जाएगा आप यहाँ पर, आपकी फोटो वीडियो जो होंगे आपके मोबाइल फोन में रहेंगे। और दोस्तों बात करें प्राइवेट जोन की, उसमें क्या करना है आपको, उसे ओपन करना है इस तरीके से, ओपन करने के बाद जो आपने इसमें पैटर्न लॉक सेट करा था बस दोस्तों आपको वही पैटर्न लॉक इसमें डाल देना है, तो मैंने यहाँ पर एंड डाला था दोस्तों, मैंने यहाँ पर एंड डाल दिया है और ये हम इसमें हो चुके हैं एंटर, और हमारे फोटो वीडियो जो डाले थे हमने यहाँ पर वो यहाँ पर सेफ है। इन तीनों वर्ल्ड ऐप में से आप कौन सा भी वर्ल्ड ऐप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, तीनों वर्ल्ड ऐप बिल्कुल जेन्युइन वर्ल्ड ऐप हैं, बिल्कुल सिक्योर हैं, आपके फोटो वीडियो बिल्कुल सेफ करके रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, आप इनमें कौन सा भी वर्ल्ड ऐप अपने मोबाइल फोन में यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।